हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। तो मैं हूं चिरंजीत और आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। तो जिसमें हम पिछला वीडियो में आपको दिखाए थे कैसे आप HMI बना सकते हैं TIA पोर्टल से। अगर आपको एक कोई भी सिस्टम में आपका HMI नहीं है तो आप उस PLC को एक नया HMI के जरिए कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। ओके, तो आज देखेंगे कि उसी HMI को हम PLC के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको उसके लिए क्या करना है, एक आपका पहले डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर ले लूँगा, तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं आपको पुराना कंट्रोलर से ही पहले दिखाता हूँ तो आपको अच्छा होगा। ठीक, एक प्रोफिनेट का मैं कोई भी जो लेटेस्ट एक ले लेता हूँ, फेलसेफ नहीं लूँगा, नॉर्मल लूँगा। फेलसेफ का अलग ही सिस्टम है, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये एक मैं कोई भी एक CPU ले लेता हूँ और उसके साथ मैं इस HMI को कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक, और प्रोग्राम PLC में कैसे बनाते हैं TIA में, तो उसका वीडियो तो मैं पहले बना चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसका आई बटन में देखिए आपको लिंक दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके देख लीजिए। और जो पिछला वीडियो था जो आपका HMI में कैसे आप पेज बनाते हो, तो उसका वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका एक CPU यहाँ पे आ गया, तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए पहले। ठीक है, तो मैं एक पावर सप्लाई देके इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ पहले। तो TIA पोर्टल एक बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, तो आपका अगर सिस्टम उतना फास्ट नहीं है तो आप इंस्टॉल करेंगे भी तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब आपको सिस्टम हैंग कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक AIO लेके एक सेंट्रल रैक को बना लेता हूँ। ठीक है, और एक AIO एक साथ है उसके ले लेता हूँ। तो ये मेरा जो है PLC बन गया, उसको प्रोजेक्ट को सेव कर दूंगा। और अभी मैं आपका नेटवर्क में जाऊँगा जहाँ मेरा ऑलरेडी आपका बना हुआ है HMI बना हुआ है, तो इसको मुझे कम्युनिकेट करवाना है। तो इसको जस्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ओके, ये देखिए आपका एक प्रोफिनेट कनेक्शन बन गया। ये TIA पोर्टल में बहुत इजी है। ठीक है, आप अगर नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो तो आप इस नेटवर्क में अगर आप इसका प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो इसका जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस ऑटोमेटिकली वो ले लेगा उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग को पहले क्या करना पड़ता था, आप अगर इसका इथरनेट एड्रेस पे जाओगे, ये आपका देखिए प्रोफिनेट का ये नेटवर्क बन गया और इसका आपका एड्रेस बन गया 192.168.0.2। तो ये हो गया आपका नेटवर्क IP और लास्ट जो है वो आपका होस्ट के लिए। तो आप अगर वही आप CPU में अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप चेक करोगे। ठीक है, तो वहाँ भी आपको उसके हिसाब से ही IP एड्रेस आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये PLC है, विंडोज 10 में मैं रन करवा रहा हूँ। और यहाँ MPI DP जो आपका, क्योंकि इसमें MPI पोर्ट भी है, और ये जो है आपका ये आपका प्रोफिनेट पोर्ट है। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका सेम चीज़ है, जो नेटवर्क से ये कनेक्ट हो गया है तो उसका देखिए IP ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया 192.168.0.1। तो आपका अगर कोई सिस्टम और किसी सिस्टम के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेट करवाना है और उसका IP आपको देना है, सोचिए आपका ऑलरेडी एक PLC है तो उसका सोचिए कुछ और IP था 92.68 कुछ भी है, तो उस प्रोजेक्ट को पहले आप इसमें ऐड कर लीजिए। CPU का जो प्रोजेक्ट रहेगा उसको आप पहले यहाँ पे माइग्रेट कर लीजिए। तो उसका सिस्टम मैं आपको बता दूंगा जब आप ओपन करते हो। हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैं अच्छा होगा कि आपको ये तो आप देख लें कि आप कैसे यहाँ पे आपका एक PLC के साथ कम्युनिकेट होता है। इसको मैं क्लोज करके आपको एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, आप कैसे पुराना प्रोजेक्ट को आप माइग्रेट करते हो आपका TIA पोर्टल के जरिए। ठीक है, तो उसमें से आप क्या करोगे, पुराना जो आपका PLC का प्रोजेक्ट रहेगा उसको आप यहां से माइग्रेट करके ओपन कर लीजिए और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा जो मैं CM किया, और एक HMI आपका ऐड करके उसमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो आपका HMI क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहां जो आपका माइग्रेट ऑप्शन है यहां पे आप क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को, अगर कोई 300 में ऑलरेडी आपका सिमेटिक मैनेजर के जरिए बना हुआ था उसको यहाँ से आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके लिए बताऊंगा। तो आज का वीडियो में जो था आपका एक PLC को कैसे आप कम्युनिकेट करवाते हैं, तो उसका वीडियो मैं आपको बना के दिखाया।
ओके, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।